Speaking a day after 14 bills of the AAP government were returned by the centre, leading to a major showdown between both sides, the Congress said that rules were made to be followed and the AAP government was not doing so. All 14 bills sent by the AAP government in the past year were returned by the centre in an escalation of hostilities between the two sides. Sending back the bills, which includes the Aam Aadmi Party's pet proposal for an anti-corruption Lokpal, the Union Home Ministry said proper procedures was not followed. An angry Kejriwal tweeted, "We send them 10 times after completing the procedure. They have no intention of passing the bills. They are interfering in every way." The Home Ministry has reportedly told the Delhi government that its bills need to be verified before they are introduced in the State Assembly. जो इनकी लड़ाई झगड़े हैं ना, ये सही नहीं है। पहली गलती केजरीवाल साहब की है। आप एक कायदे कानून के तहत आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ, और उसमें ये प्रोविजन है कि आप कोई भी बिल पास करने से पहले होम मिनिस्ट्री की परमिशन उस पर लेंगे, वो उसमें अपनी हाँ या ना देंगे, उसके बाद वो बिल पास होके और फिर आप उसको भेज सकते हैं। आप उस प्रोसेस को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली फुल फ्लैज स्टेट नहीं है, दिल्ली में सिर्फ असेंबली दी है और ये MHA के अधीन थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करती है। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा आप ये जो तेजी दिखाते हैं, केजरीवाल साहब गलत कायदा बनाते हैं, रोज़ गालियाँ देते हैं, रोज़ सुबह उठकर किसी न किसी को चोर कहते हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ की गुंजाइश नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मुख्यमंत्री, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को बड़े शाइस्ता तौर से इनको पूरा करना चाहिए। केजरीवाल जी ने शुरू में कह दिया था कि मैं छठे हुए लोग लाऊंगा, अब लोग नहीं समझ पाए उस बात को। हमसे बेहतर छठे हुए लाए हैं तो वो यही काम तो करेंगे, कोई बाकी नहीं रह रहा। मुझे लगता है IPC की कोई धारा बाकी नहीं रहेगी जो इनके विधायकों पे ना लगे। रोज किसी ना किसी का बाउंडर खड़ा रहता है। अरे भाई, उनको समझाओ, ये जो पद हैं वो लाभ लोगों की सेवा के लिए हैं, सेवा की भावना से काम करो। अगर किसी पद पर बैठे हो, मौका तुम्हें मिला है, तुमने हमें हराया, तुमने BJP को हराया, लेकिन तुम तो 100% ही फेल हो रहे हो। ये मौका है, इसको चूक जाएंगे। और मुझे लगता है, देखिए, इनकी नीयत भी नहीं है, इनका पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, सरकार कभी चला ही नहीं, तो निश्चित है इनका फेल होगा।